Good morning, students. Today's our topic is Euclid's division algorithm. Euclid's division algorithm. Firstly, what is algorithm? Algorithm kya hota hai? A series of well-defined steps for solving any problem. किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप्स हम फॉलो करते हैं उसको हम एल्गोरिदम बोलते हैं. नाउ यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम. इफ ए एंड बी आर टू गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स देन देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सच दैट ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज कॉल्ड यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम. डिवीजन एल्गोरिदम के बारे में आप फेमिलियर हैं. ए बी क्यू एंड आर. ए इज कॉल्ड डिविडेंड, बी इज कॉल्ड डिवाइजर, क्यू इज कॉल्ड कोसेंट एंड आर इज रिमाइंडर. व्हेन वी डिवाइड ए बाई बी वी गेट क्यू एज ए कोसेंट and r as a remainder. And you know dividend is equal to divisor multiply quotient plus r, where r is greater than 0, equal to 0 but less than b, mean less than divisor. किसी भी नंबर को जब हम डिवाइड करते हैं, सपोज कीजिए हम 3 से डिवाइड करते हैं, तो हमारा रिमाइंडर क्या हो सकता है वो डिपेंड करता है कि नंबर क्या है. सपोज कीजिए 9 है, सो 9 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, सो रिमाइंडर इज 0. 10 है तो 10 व्हेन डिवाइड 10 बाय 3 वी गेट रिमाइंडर 1. इट्स मीन रिमाइंडर ऑलवेज बी लेस देन ए डिवाइजर. तो यह आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है. यह आपने छोटी क्लासेस में भी किया, जो प्रीवियस क्लासेस में आपने किया है. अब 10th क्लास में इसका यूज करके हम एचसीएफ फाइंड आउट करेंगे. एचसीएफ आप फिर सरप्राइज हैं कि 6th क्लास से सर हम एचसीएफ पढ़ रहे हैं. बहुत फेमिलियर वर्ड हो चुका है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. बट डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास में अभी इनका एचसीएफ इस एल्गोरिदम को यूज करके फाइंड आउट करेंगे. आपने प्रीवियस क्लासेस में 225 और 135 का जो एचसीएफ है फैक्टराइजेशन मेथड से और लॉन्ग डिवीजन मेथड से सीखा हुआ है. थोड़ा सा आपको मैं रिमाइंड करा देता हूं. वी वांट टू फाइंड एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 by long division method, जो हमने previous class में सीखा था. So now 225 and 135, because 225 is greater than 135, so we take 225 as dividend and 135 as divisor. So 135 0 90, this is our first step. In second step, now we will take remainder as a divisor and previous divisor as a new dividend. आपने long division method में सीखा हुआ है कि जो remainder है उसको हम divisor लेंगे अब, और जो आपका previous divisor है उसको हम dividend लेंगे. Again one, remainder is 45, वही procedure. In third step, now we will take 45 as a divisor एंड 90 एज ए डिविडेंड. जो आपका रिमाइंडर आया है उसको हम डिवाइजर लेंगे, और जो आपका प्रीवियस डिवाइजर था उसको हम डिविडेंड लेंगे. 45 2 90 एंड रिमाइंडर इज 0. और ये आपको पता है, जब आपका रिमाइंडर 0 आता है तो लास्ट जो डिवाइजर है दैट इज द एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और जीसीडी
ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ये वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 135 और 225 का जो दोनों को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। अब इसी का हम यूज करेंगे यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में, क्योंकि आपका सिलेबस कौन सा है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। सो बाय यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम तो क्या आपकी a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। अब इन्हीं स्टेप्स को जो आपके थ्री स्टेप्स हैं हम इस फॉर्म में राइट करेंगे। इन योर फर्स्ट स्टेप a इज 225, b इज 135 एंड q इज 1। सो बी क्यू मीन b मल्टीप्लाई क्यू, 135 मल्टीप्लाई 1 प्लस आर एंड रिमाइंडर इज 90 इज अवर रिमाइंडर। इन सेकेंड स्टेप वी कैन से नाउ ए इज 135, बी इज 90, क्यू 1 एंड आर 45। सिमिलरली इन थर्ड स्टेप यू कैन से ए इज 90, बी इज 45, क्यू इज 2 प्लस रिमाइंडर 0 एंड योर लास्ट डिवाइजर इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट डिवाइड्स बोथ गिवन नंबर 135 एंड 225। सो वी कैन से एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225 इज इक्वल टू 45। डियर स्टूडेंट्स है ना इजी, बहुत इजी है, ये प्रोसीजर आपने सारा प्रीवियस क्लासेस में किया हुआ है, बस इसको आपने जो आपकी डिवीजन एल्गोरिदम होती है उस फॉर्म में राइट करना है, दैट्स योर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम। वी कैन टेक अनदर एग्जांपल, ये सभी क्वेश्चन आपने प्रीवियस क्लासेस में किए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए आप, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स, लार्जेस्ट नंबर मीन ग्रेटेस्ट नंबर, सो ग्रेटेस्ट नंबर मीन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर विच डिवाइड्स 182 एंड 255। अगर यहां तक क्वेश्चन होता तो हम इन दोनों का एचसीएफ निकालते। आगे पढ़िए, लीविंग रिमाइंडर्स 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर वो होता है जो गिवन नंबर्स को एग्जैक्टली डिवाइड करता है, बट इस क्वेश्चन में इसने क्या कहा है कि वो नंबर निकालिए जो दोनों को डिवाइड करें, तो इसमें रिमाइंडर 2 बचे और इसमें रिमाइंडर 3 बचे। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें से 2 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्योंकि रिमाइंडर 2 बचना है ना, तो उसको हम पहले ही निकाल देते हैं। सो 182 माइनस 2 इज इक्वल टू 180 और 255 में क्या रिमाइंडर जाते हैं 3, तो 255 माइनस 3 दैट इज 252। नाउ वी विल फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज टू नंबर्स 180 एंड 252। फर्स्टली वी यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड। इन फर्स्ट स्टेप 252 इज ए एंड 180 इज अवर बी। 1, 2, 15 minus 8, 7। इन सेकेंड स्टेप नाउ वी विल टेक 72 एज ए डिवाइजर एंड 180 एज ए अवर न्यू डिविडेंड। 2, 2 2 जा 4, 2 7 जा 145। 6, 7 minus 4, 3। इन थर्ड स्टेप अगेन वी विल टेक 36 एज ए न्यू डिवाइजर एंड 72 एज ए न्यू डिविडेंड। तो 36 2 जा 72, सो रिमाइंडर इज 0। लॉन्ग डिवीजन मेथड से जो लास्ट डिवाइजर है 36, ये वो नंबर है जो इन दोनों गिवन नंबर को डिवाइड करेगा।
So by Euclid's division algorithm. Dear students, अब इन तीनों ही steps को हम इस form में write करेंगे. A is equal to B Q plus R. In first step, 252 is A. So 252 is equal to 180 multiply 1 plus 72. In second step, 180 is equal to 72 multiply 2 plus 36. And in the last step, A is 72, 36 multiply 2 plus 0. So HCF of 180 and 252 is a last divisor, that is 36. ये 36 वो highest common divisor है, वो largest number है जो 180 और 252 को exactly divide करता है. But हमारा question क्या था? Largest number which divides these number and leaving remainders 2 and 3. तो जब ये 36 180 को exactly divide करता है, it's mean 182 को 36 से divide करेंगे तो remainder क्या आएगा? 2 आएगा. Similarly, 255 को 36 से divide करेंगे तो remainder हमारा 3 आएगा. So you can say 36 is that required number, required largest number when divides 182 and 255, we get 2 and 3 as remainders. Dear students, आप इस प्रकार HCF find out कर सकते हैं Euclid's division algorithm का use करके. बहुत easy topic है ये आपको, और आपने previous classes में भी किया हुआ है. पहले आपने long division method से करना था और उसको फिर आपने इस form में write करना था, है ना? बहुत easy. Okay, thank you dear students.